परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें यह समय दिया हुआ है। आइए मेरे साथ में निकालिए कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसकी 16 आयत। कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसकी 16 आयत इस प्रकार से कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। एक जो सवाल हमेशा उठाया जाता है कि परमेश्वर का वचन अगर हम हमारे हृदय में रखेंगे तो उससे होगा क्या। दो बातें यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि दो चीजें होंगी जो हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो वह दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी दूसरे लोगों की उन्नति और दूसरी चीज होगी स्वयं की उन्नति जो हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे। 16 आयत इस प्रकार से कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब यहाँ पर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह जो वचन है यह मसीह का वचन है, यह परमेश्वर का वचन है। उस वचन को अधिकाई के साथ में बसने के लिए प्रेरित पौलुस हमसे कहता है। अगर हम यूनानी भाषा में जाएं, जिस भाषा में नया नियम लिखा गया था तो उसमें जो शब्द उपयोग किया गया है बसने के लिए वह है एनओइकियो। एनओइकियो शब्द एक प्रकार से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, उसको हमारा घर पसंद आता है, उसको हमारा आदर सत्कार पसंद आता है और वह अपना मन बना लेता है कि अब मुझे इसी घर में रहना है। इस प्रकार से जो शब्द एनओइकियो है वह उपयोग में लाया गया है नए नियम में। यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को हमें आदर सम्मान देना है अपने हृदय में। हमें उसको इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है कि परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ में हमारे अंदर में निवास करे, इतना हमारे अंदर में निवास करे कि वह हमें छोड़कर ना जाए। और जब वह अधिकाई से हमारे अंदर निवास करेगा तो दो जो कि उसके जो दो चीजें जो होंगी, पहली बात यह होगी कि दूसरे लोगों की उन्नति होगी। आगे लिखा हुआ है, उस सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तभी हम दूसरों को सिखाएंगे, तभी हम दूसरों को हम चेतावनी देंगे कि भाई बहन यह काम गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ज्यादातर लोग क्यों एक दूसरे को नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वह खुद सीखे हुए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं है। और जब परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं है तो वह दूसरों को भी नहीं सिखा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो ताकि तुम भी दूसरे लोगों को सिखा सको, चेतावनी दे सको। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात यह वचन हमारे स्वयं की आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा वह सामर्थ्य प्राप्त होगी कि हम हमेशा धन्यवादी रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने पाएंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सकेंगे, हम परमेश्वर के उन कार्यों को जो परमेश्वर ने इज़राइल के जीवन में किए हुए थे, जो परमेश्वर ने उन दासों के जीवन में किए हुए थे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, हम उन बातों को याद करते हुए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया हुआ है, उन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करेंगे। तो परमेश्वर का वचन दूसरों की उन्नति का कारण भी बनेगा हमारे जीवन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन हमारी उन्नति का कारण भी बनेगा। एक आत्मिक उन्नति, एक आत्मिकता में हम परिपूर्ण होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यही बात है जो प्रेरित पौलुस हमसे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, होने दें कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से वास करने वाला बन सके और हमारा जीवन दूसरों के ही उन्नति का कारण हो सके और स्वयं की उन्नति का कारण हो सके। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।